जल्दी में क्यों हो गर्ल्स? मालूम है आज कौन सा दिन है? नहीं होगा। मुझे सोचने दो। आज है लिंसेस का हैच डे। पैंजी, तुमने तो सोचने भी नहीं दिया। हैप्पी हैच डे लिंसेस। थैंक यू। आज ही हमें पार्टी देनी है। हाँ, पार्टी तो होनी ही चाहिए। हर बग के हैच डे पर पार्टी होनी चाहिए। मुझे और पैंजी को भी बुलाया है। हम वहाँ गेम्स खेलेंगे, पार्टी हैट्स पहनेंगे और मेपल फ्रॉस्टिंग वाला ब्लूबेरी केक खाएंगे। वाह, मुझे तो ये वाला केक बहुत पसंद है। हैप्पी हैच डे लिटिल सिस। हाय स्क्वाट, क्या तुम भी मेरी पार्टी में आ रहे हो? जरूर लिटिल सिस, मैं भी तुम्हारी हैच डे पार्टी में जरूर आऊंगा। सच्ची? तुम आओगे ना? आज दोपहर में ही है, ठीक लंच के बाद। तुम भूलोगे तो नहीं? मैं जरूर आऊंगा, वादा करता हूँ। चलो हम डेकोरेशंस में तुम्हारी मदद करते हैं। ये बाय। तुमने बहुत अच्छा किया स्क्वर्ट, तुमने उसे खुश कर दिया। लिटिल सिस तुम्हें बहुत चाहती है। इसमें क्या था मॉम, मैं आज दोपहर में वैसे भी कुछ नहीं कर रहा। बहुत खूब, अब शांति मिले। अब मैं चली स्पाइची एक्सरसाइज करने। जंपिंग जूम बग्स। मॉम, आप एक बात जानती हैं? आज लिल सिस का हैच डे है? हाँ? नहीं, हो सकता है, पर हम उस बात से इतने खुश नहीं हैं। हम तो परेड की बात कर रहे हैं। परेड है? वाह! हे स्क्वाट, तुम भी ट्यूबा परेड में चल रहे हो ना? ट्यूबा परेड में? सिर्फ ट्यूबा परेड नहीं है, एक ट्यूबा परेड है। वाओ, कूल! पूरे शहर के बच्चे अपने ट्यूबा ट्यूबर्स लेकर आएंगे और गांव के चौराहे पे मार्च करेंगे। मुझे तो ट्यूबा ट्यूबा बजाना बहुत पसंद है। मालूम है, हमने तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया स्क्वाट। थैंक्स दोस्तों। वहाँ हमें सच में मजा आएगा। ये परेड आखिर है कब? आज दोपहर में। ओ नहीं, ये ठीक से बज नहीं रहा, मेरी मदद करो। मुझे परेड से पहले एक नया ट्यूबर ढूंढना है। चलो चलो चलो। स्क्वाट, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? क्या मॉम? तुमने लिल सिस को आज उसकी हैच डे पार्टी में जाने का वादा किया था। चलो, चलो, चलो। ओ मॉम, वहाँ जाना जरूरी है। हाँ, तुमने उससे वादा किया था। हाँ, तुम पोटैटो प्लांट पर बैठे हुए हो। हाँ, ये मेरे लिए अच्छा ट्यूबर ट्यूबर बन सकता है। तुम उसके ऊपर ही बैठे हो। ओह, हाँ। हे, तुम ट्यूबर को मत खाओ शिमर। मिस्टर मेंटिस कहते हैं कि पोटैटो प्लांट्स अपना खाना यहीं पर जमा करके रखते हैं और ये बहुत टेस्टी होता क्या है। क्या मैं ये ले सकता हूँ स्क्वाट? हाँ, ले लो ना। ठीक है। क्या तुम कोई ट्यूबर नहीं ले जाओगे स्क्वाट? पता नहीं मैं परेड में जा पाऊंगा या नहीं। तुम्हें परेड में जाना ही होगा स्क्वाट। अरे वाह, मैं भी परेड में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने लिलसिस से उसकी पार्टी में आने का वादा किया है। उससे कह देना कि तबीयत खराब है या किसी बड़े मुर्गे ने किडनैप कर लिया है। मैं झूठ कैसे बोलूं? या फिर तुम पार्टी में जाओ और सबकी नजर बचाकर भाग आना। स्क्वाट, फिर भी वो इसे देख सकते हैं। अगर रूप बदल लेगा तो कौन देखेगा? हाँ, फिर भी इसके जाने का पता तो लग ही जाएगा। अगर ये वहाँ एक स्क्वाट डमी छोड़ दे तो नहीं। स्क्वाट! इस तरह का। हाँ। हे! स्क्वाट, क्या तुम भी लिलसिस के पार्टी में मदद करोगे? आ, हे! ये क्या है स्क्वाट?
ये इसे अपनी जगह पर छोड़कर लिल्सिस की पार्टी से भाग निकलेगा और हमारे पास ट्यूबर ट्यूबर परेड में आ जाएगा। स्क्वाट, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लिल्सिस को बहुत बुरा लगेगा। जानता हूँ। तुमने लिल्सिस से पार्टी में आने का वादा किया था। किया था, पर अब ये परेड में जाना चाहता है ना स्क्वाट? हाँ, लेकिन तो अब तुम क्या करोगे? बच्चे तो वहाँ काफी बिजी लग रहे हैं। हाँ, शायद वो स्क्वर्ट की मदद कर रहे हैं फैसला लेने में। मैं नहीं आ रहा। तुम आखिर परेशान क्यों हो रहे हो स्क्वर्ट? ये बहुत अच्छा प्लान है। और तुम वहाँ भेष बदल कर चले जाओ। बच्चों, तुम अभी स्क्वर्ट को कुछ देर अकेले छोड़ दो। ओके। लगता है तुम किसी बात से बहुत परेशान हो। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं लिटिल सिस को भी दुखी नहीं करना चाहता, ना ही परेड छोड़ना चाहता हूँ। ये तो बड़ा ही मुश्किल फैसला है। यही सोच सोच कर तो मेरा ये हाल हो गया है। लगता है कि अब हमें थिंकिंग स्टोन पर जाना ही होगा। हाँ, थिंकिंग स्टोन। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? हाँ, लेकिन ये थिंकिंग स्टोन है क्या? ये एक बड़ी खास जगह है स्क्वाट, एक ऐसी जगह जहाँ तुम आराम से कुछ सोच सकते हो। क्या सब थिंकिंग स्टोन पर जाते हैं? नहीं, कुछ बग्स ही जाते हैं। तुम्हारी मॉम थिंकिंग स्टोन पर नहीं जाती, लेकिन वो अपने स्पाइची से ही सोचती है। मैं थिंकिंग स्टोन पर जाता हूँ। आप वहाँ जाकर क्या सोचते हैं? हर तरह की बातें सोचता हूँ मैं, मुश्किल बातें, मामूली बातें, ना समझी वाली बातें। वहाँ जाकर हम बड़े फैसले कर सकते हैं। मैंने वहीं जाकर दुनिया की सबसे सुंदर स्पाइडर से अपनी शादी की बात की थी। तो थिंकिंग स्टोन पर मुझे भी पता लग जाएगा कि मैं लिटिल सिस की हैचडी पार्टी में जाऊं या फिर ट्यूबा ट्यूबा परेड में। बिल्कुल सही, थिंकिंग स्टोन पर जाकर तुम ये फैसला आसानी से कर लोगे। ये है वो जगह। डैड, मुझे लगा था कि यहाँ बड़ा पत्थर होगा, इससे ज्यादा खूबसूरत। हाँ, यही सोचा था। बेटे, यहाँ पर कोई पत्थर ढूंढ लो जो तुम्हारे काम के लायक हो। ठीक है, ढूंढ लूंगा। मैं अब तक का सबसे अच्छा थिंकिंग स्टोन ढूंढ लूंगा। बाय। इतने बड़े फैसले के लिए पत्थर भी बड़ा होना चाहिए। परफेक्ट। सोचो सोचो सोचो, अब मैं क्या करूं? जीपर्स कीटर्स, ये पत्थर तो बहुत हार्ड है। मैं इसके ऊपर बैठकर कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं कोई और पत्थर ढूंढता हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय भी नहीं है, मुझे जल्दी ढूंढना होगा। वो रहा, ये पत्थर तो ठीक ठाक लग रहा है। गर्म गर्म, बहुत बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। नहीं, धूप में गर्म पत्थर पर बैठकर कुछ नहीं सोच सकता। हे स्क्वाट, परेड बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? उस परेड में बहुत मजा आएगा हमें। कुछ भी समझ नहीं आता गस, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। पर क्या? मैंने लिटिल सिस से वादा किया था कि उसकी हैचडे पार्टी में आऊंगा। ओहो, बड़ा फैसला है, गुड लक। हाँ, मुझे एक बड़ा फैसला करना है, इसलिए किसी बड़े पत्थर पर बैठना होगा। परफेक्ट। थक गया कि कुछ नहीं सोच सकता। मेरे पास समय कम है और कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। लिटिल सिस की पार्टी में मजा आएगा, पर ट्यूबा ट्यूबा परेड जैसा नहीं। एक सही थिंकिंग स्टोन ढूंढना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। शायद मैं सही पत्थर ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो परेड में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने लिटिल सिस से उसकी पार्टी में आने का वादा किया था। अगर नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, हे,
मैं समझ गया कि लिटिल सिस की पार्टी और ट्यूबा ट्यूबा परेड दोनों में कैसे जा सकता हूँ। मैं एक शांत जगह पर बैठकर सोचना चाहता था और मुझे थिंकिंग स्टोन मिल गया। हाँ, मुझे थिंकिंग स्टोन मिल गया। हाय डैड। हाय स्क्वाड, तुम्हें कोई पत्थर मिला या नहीं? हाँ, मुझे डैडी बैरल में एक पत्थर मिल गया। ओह, अच्छी जगह है। क्या वो अच्छा पत्थर है? नहीं, ये वाला तो मेरी साइज का है। तो कोई फैसला किया भी या नहीं? हाँ। हाँ? मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं जानती थी कि तुम यहीं पर मिलोगे। ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? ये सोचकर कि मैं बड़ा ही लकी हूँ जो मुझे तुम और ऐसे बच्चे मिले। स्क्वाट ने आज एक बड़ा फैसला किया है। हाँ, वो भी उस फैसले से खुश है। मेरी हैच डे पार्टी पर एक परेड। हैप्पी हैच डे लिटिल सिस। ट्यूबा प्लेयर्स रेडी? रेडी स्क्वाट। तो फिर शुरू करो। शाबाश, ऐसे ही खींचते रहो। खींचो। ये प्लान तो सच में बहुत ही भारी है। हे बाउंस, खींचो ऊपर और ऊपर। कम ऑन बाउंस, हम राइड पर नहीं है, ये मॉम और डैड के लिए गिफ्ट है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आज हमारे मॉम डैड की एनिवर्सरी है स्पिंडेला। हम उन्हें एक गिफ्ट देने वाले हैं। वाह, बहुत सुंदर गिफ्ट है। थैंक यू। इसका नाम है स्पाइडर प्लान, क्योंकि ये स्पाइडर्स जैसा नजर आता है। अगर इसके छोटे पत्तों को रोप दिया जाए तो छोटे स्पाइडर प्लांट उगाते हैं। ये आइडिया शिमर का था। काश मेरी भी कोई शिमर जैसी बेटी होती। थैंक्स स्पिंडेला। ओके एवरीबॉडी, खींचो 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 खींचो। अब बस करो। ओ, तो इतना शोर तुम सभी मचा रहे हो ना? तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो डियर? ये बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं। तो क्या ये चुप नहीं रह सकते हैं? मैं वेब एंड गार्डन का नया इशू पढ़ रहा हूँ। इनकी बातों को भूल जाओ, तुम्हें एक स्पाइडर प्लान डिलीवर करना है। अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, तो वो भी हमारी एनिवर्सरी ऐसे ही मनाते, है ना? हाँ, शायद मनाते हैं। लेकिन हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम इतनी देर तक आज बहुत दिनों के बाद सोए हैं। हाँ, तब सोए थे जब बच्चे नहीं थे। अब हमारे प्यारे बच्चों को भी भूख लग गई होगी। चलो अब उनके लिए नाश्ता बना दें। लगता है कि पहले ही कुछ खा चुके हैं। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। ओह, एक स्पाइडर प्लांट। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है बच्चों। क्या बात है, ग्रुप बग हग। ये बच्चे तो सच में बहुत खुश हैं। अब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दे ही देता हूँ हनी। हम दोनों आज डेट पर जा रहे हैं। हम दोनों बाहर जाकर डिनर करेंगे। अरे सुनो 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 सुनो, अब आगे भी सुनो। डिनर के बाद मैं और तुम्हारी मॉम सनी पैच प्लेयर्स का प्ले रोमियो और जून बग देखने जाएंगे। प्ले देखने? ये तो बहुत ही रोमांटिक बात है ना? हाँ, सही कहा। थैंक यू हॉली, तुमने सारी तैयारी कर ली है। इसका मतलब है कि आज किसी बगी सिटर को बुलाना होगा। मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। एक बगी सिटर? उपसी, टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। बेटी, आप घर में हैं?
हेलो होली, हैप्पी एनिवर्सरी। ओह थैंक यू, मैं इसी वजह से तो यहाँ आया हूँ। मैं आपसे कुछ क्या पूछना चाहता हूँ। क्या हम थिएटर जाते हुए रास्ते में बात कर ले? मुझे ड्रेस रिहर्सल में जाना है। रिहर्सल? मैंने बताया नहीं था, मैं आज रोमियो एंड जून बग में रानी का रोल कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटी, क्या इत्तफाक है, मिस स्पाइडर और मैं भी आज वो शो देखने जा रहे हैं। बहुत खूब, लेकिन मेरे नन्हे पोते पोतियों का ध्यान कौन रखेगा? गैस, तुम भी आज बिजी हो? बहुत बिजी, मैं सनी पैच स्टार गेजिंग क्लब के साथ काम करने जा रहा हूँ। आज रात को नए तारे दिखने वाले हैं। ओ चलता हूँ। नो मिस स्पाइडर, मैं तो बस तुमसे ही मिलने आ रही थी। वाह क्या इत्तेफाक है, क्या तुम बगी सिट कर दोगी? अगर तुम्हें भी बगी सिटर चाहिए तो मतलब है तुम भी बिजी हो। हाँ, आज मैं रोमियो एंड जून बग देखने जा रही हूँ। मैं और हॉली भी जा रहे हैं। लगता है कि आज हमारी एनिवर्सरी पर पूरा शहर ही बिजी है। आई एम सॉरी स्वीटी। कोई बात नहीं, अपने बच्चों के साथ भी हम अपनी एनिवर्सरी मना सकते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, क्या हाल है तुम्हारे? ओह थैंक यू, अंदर आओ ना। मैं तुम्हारे लिए अपनी स्पेशल बेरी कुकीज लाई हूँ। ये तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं। इन्हें खाकर पेट मत भर लो, आज तो तुम दोनों कहीं बाहर खाना खाने जा रहे होगे ना? हाँ, सोचा था, लेकिन कोई बगी सिटर ही नहीं मिल रहा। लो, बगी सिटर खुद आ गई है यहाँ। मैं आज बगी सिटिंग करूँगी मिस स्पाइडर। टाडा, चलो हमारी लिफोजीन बाहर खड़ी है। ओह हॉली, ये तो बहुत शानदार है। गुड नाइट लिंकबर्ग्स। गुड नाइट। सी यू, हम जल्दी ही आएंगे। अब बताओ तुम सब पहले क्या करना चाहोगे? क्या आप हमें बेरी कुकीज बनाना सिखाएंगी? हाँ जरूर। हम पहले बग टैंगल खेलें। बग टैंगल, बग टैंगल, बग टैंगल। पहले बग टैंगल ही खेलते हैं। ये मेरा पैर है। मैं कुछ और पैर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेईमानी है, स्पाइडर्स के पास 8 पैर होते हैं। अब समझी कि इसे बग टैंगल क्यों कहते हैं। स्पिंडेला, अब मुझे बेरी कुकीज बनाना सिखा दोगी? हाँ चलो सिखाती हूँ हनी। लेकिन अब खेलने की मेरी बारी है, मेरी बारी, मेरी हाँ बारी। मैंने बाउंस से वादा किया था उसकी बारी के बाद कुकीज बनाएंगे। स्पिंडेला, अरे सुनो स्पिंडेला, क्या तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो? मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। मैंने आने से पहले ही कहा था ना, तुम्हारा डिनर अवन में रखा है, उसे बाहर निकालते वक्त पॉट होल्डर का इस्तेमाल जरूर करना। अवन, पॉट, ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम घर कब आ रही हो? अभी नहीं, अभी मैं बच्चों के साथ हूँ। देखा, इसीलिए हर बगी को खाना पकाना आना चाहिए। हम सबसे पहले कुकीज ही बनाते हैं। चलो शिमर शुरू करते हैं। सॉरी शिमर, लगता है हम अभी कुकीज नहीं बना सकते। ओह अरे आराम से खाओ बा। मजा आ रहा है। कम ऑन एवरी बगी, चलो कोंगा बजाओ। बगी का है कोंगा, यहाँ काफी सांगा, नाचो गाओ कोंगा, मिलकर गाओ सांगा। विगल बचाए बोंगा, न करना कुछ भी रंगा, ये है बागी कोंगा। स्पिंडेला, अब क्या हुआ स्पाइडरस? बताओ इतने शोर में एक स्पाइडर कैसे सो सकता है? सोना है, तुम तो इतनी जल्दी कभी नहीं सोते हो। मैंने सोने की बात की, मेरा मतलब था पढ़ना। क्या तुम जरा आकर मेरी किताब ढूंढ दोगी? सच में इन बच्चों के साथ बहुत मजा आ रहा है। तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? आप इतने परेशान क्यों हो स्पाइडरस? देखो मैं उस शोर शराबे से परेशान हो गया हूँ, अब तुम ही बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। आप सच में परेशान है? अब कितनी बार कहूँ मैं, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं भी इस हंगामे में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? क्योंकि कभी कभी मैं भी ऐसा ही करती हूँ। वाकई? इसी वजह से हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। आपका क्या कहना है? ओह
रह सकते हैं बस कुछ देर के लिए। वैसे मैंने देखा है कि ये बग्स एक खास कोंगा बीट पर डांस कर रहे हैं। वाह क्या बात है। देखा मैं भी कभी अच्छा डांसर था। और बाद में आप कुकीज बनाना सिखा देंगे? कुकीज मैं शायद सिखा सकता हूँ। पहले स्टेप शफल फिर बॉल चेंज, पहले स्टेप फिर शफल बॉल चेंज। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि स्पाइडरस ऐसे भी हो सकते हैं। कभी कभी बग को सही रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। थैंक्स शिमा। अब मैं तुम्हें कुकीज बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? ओके। टेस्टी है। अच्छा है, तुमने ये सब कुछ खुद ही बनाया है ना शिमर? हाँ, किसी की मदद लेकर बनाया है। अच्छा तो अब तुम सब सो जाओ। ओ, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। देखो अगर तुम सब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। वाह, एक नई कहानी सुनाओगे? ये कौन सी? एक बेड टाइम स्टोरी। The Lonely Little Dew Worm। बच्चों एक जमाने की बात है, यहाँ से बस कुछ ही दूर एक छोटा सा वर्म बिल्कुल अकेला ही रहता था। कम से कम कहता तो यही था। ओह हाय, आ गए। तुम्हारी एनिवर्सरी नाइट कैसी रही? हमें बहुत मजा आया स्पिंडेला। मतलब आज की रात सबको मजा आया है। अच्छा, इन शैतान बच्चों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? पता है, एक बगी का मूड खराब तो था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। कम ऑन। स्पाइडरस भी बहुत ही अच्छा डेट साबित हो सकता है। एक दिन हम भी तुम्हारे और स्पाइडरस के लिए बगी सिट करेंगे। शायद एक दिन।